अगर आप भी घर में एक ही तरह की सब्जी बना के बोर हो गए हैं या फिर आपके घर के लोग एक ही तरह की सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस सब्जी को जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए चना दाल और गोभी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लेके आए हैं, जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और अक्सर लोगों को पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आपने एक बार इस तरीके से पत्ता गोभी की सब्जी को बना लिया ना, तो यकीन माने घर में आपसे सब जिद करके सब्जी को बनवाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले ये हमने आधा कप चने दाल को धो के साफ पानी में भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। तो दाल कुछ इस तरीके से भीग जानी चाहिए। ये हमने पत्ता गोभी ली है, पत्ता गोभी हमने 250 ग्राम ली है और इसको इस तरीके से बारीक कट कर लिया है धोकर। एक मिक्सर जार में हम 5 लहसुन की कली लेंगे, 3 हरी मिर्च ली है, 1/2 इंच अदरक, 1 छोटी साइज के प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है, 1/4 चम्मच जीरा। अब जो भिगोई हुई हमारी दाल है उसको हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच इतना हम इसमें पानी एड कर देंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, इसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो बर्तन हमारा काफी छोटे साइज का था, इसलिए हमने बर्तन को चेंज कर लिया है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब जो कट की हुई हमारी पत्ता गोभी है इसको हम डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें से हम बचा लेंगे। सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसको हम थोड़ी देर इसमें रहने देंगे, जिससे कि जो पत्ता गोभी हमने इसमें डाली है ना वो सॉफ्ट हो जाए, और तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे, 1/4 चम्मच इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, 2 चुटकी इसमें हम हींग ऐड करेंगे। जीरा लाल होने पर इसमें हम 1 कटके हुए प्याज और 1 बारीक कटके हुए हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो थोड़ी देर हमें इसे फ्राई करना है। तो प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, तो इसमें अब हम 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ी देर इसमें फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और सब्जी में अगर आप इस तरीके से पहले अदरक लहसुन को फ्राई कर लेते हैं तो उससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कुछ सेकेंड इसको हमने फ्राई कर लिया है। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, हमने इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने ली है 1 टमाटर की प्यूरी, इसको हम इसमें डाल देंगे। टमाटर हमने बड़े साइज का लिया था, इसलिए 1 ही टमाटर की प्यूरी ली है, और यहाँ पे हमने टमाटर की प्यूरी ली है। आप चाहे तो टमाटर को कट करके भी ले सकते हैं। इस तरीके से टमाटर की प्यूरी लेने से क्या है, जो मसाला है वो जल्दी भुन जाता है। जो थोड़ी सी पत्ता गोभी हमने कट की हुई बचा के रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। अभी हमने एक प्लेट ली है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। जो गोभी और दाल का हमारा मिश्रण है उसको हम इसमें डाल देंगे, इसको हम फैला देंगे। तो इसको हमने फैला दिया है, बस अब ये पकने के लिए तैयार है। तो ये मसाले को भुनने के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये मसाले को हमें भुनने देना है। तो अब ये जो हमारी प्लेट है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह की प्लेट नहीं है जिसको आप बर्तन के ऊपर रख सकते हैं, तो आप क्या करें, मसाले के अंदर ही एक कटोरी या फिर आप जाली को रख सकते हैं और उसके ऊपर प्लेट को रख सकते हैं। तो इसे हमें ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाना है लो मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, जिससे हमारा मसाला भी भुन जाएगा और ये हमारे पक भी जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग पकाना चाहते हैं तो आप इसको अलग से भी भाप में पका सकते हैं। तो 7 से 8 मिनट तक हमने इसको पका लिया है और ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल भी गीला नहीं है। इसे हटा देंगे। तो जब तक हम इसके ग्रेवी बनाएंगे तब तक इसको हमें ठंडा कर लेना है। और ये देखिए मसाला भी हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, जो तेल है वो अच्छे से सेपरेट हो गया है। ध्यान रखें, जब भी आप इसको दोनों को साथ में अगर पका रहे हैं ना, तो मसाले में पानी थोड़ा ज्यादा ही रखें, जिससे कि मसाला जले ना आपका। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी आप जितना रखना चाहते हो ना पानी, आप उसमें इतना डालें, 3 से 4 चुटकी जितना इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे। तो इसको हमने ठंडा करने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, जैसे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब इसको हमें कट कर लेना है। तो ये पीसेस अपने हिसाब से आप छोटे बड़े साइज में कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं, देखिए। तो जब तक हमारे पीसेस ठंडे हुए तब तक हमारे ग्रेवी में भी उबाल आ गया है। तो एक एक करके सारे पीसेस को हमें इसमें डाल देना है। ध्यान रखें, ग्रेवी में उबाल आने के बाद ही इसको डालना है। तो इसको अब हमें लो मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाना है। तो
ग्रेवी को भी हमने थोड़ी देर पका लिया था, पीसेस भी हमारे पके हुए हैं, तो इसलिए अब इसको ज्यादा देर नहीं पकाएंगे। तो 4 मिनट हमने सब्जी को और पका लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से बन गई है। लास्ट में हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट गोभी और चना दाल की सब्जी बनकर रेडी है। गैस ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये हमारी चना दाल और गोभी की सब्जी रेडी है। आप इसको रोटी, पराठे, चावल, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसकी ग्रेवी भी आप उसी हिसाब से रखें जिसके साथ आप इसको खाना चाहते हैं। बिल्कुल नई तरह की सब्जी है और आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो उम्मीद करती है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लेटेस्ट वीडियो के लिए, घंटी भी लगना ना भूले। अब आपको मिलेगी एक नई वीडियो के साथ। अब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।